हाय यार, दिस इज यश। कैसे हो सबके सब? रिसेंटली यार मैं कॉलेज गया, आईटी दिल्ली, और वहां पर काफी चीजें यार ऑफलाइन हो चुकी है। स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ाई कर रहे थे, आ चुके हैं कैंपस पे, कोडिंग वोडिंग करने लग रहे थे बच्चे, ठीक है। इसी के साथ पैरेलली यार अमेजोन फ्लिपकार्ट की काफी तगड़ी सेल आ रखी है, जिसके अंदर लैपटॉप्स पे बहुत सही सही ऑफर्स हैं। तुम लोग भी कॉलेज जा रहे होंगे 2-3 महीने बाद और सोची तो होगी यार कि मेरे को ये वाला लैपटॉप चाहिए, मैं तो गेमिंग वाला लैपटॉप लूंगा, मेरे को इतने GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। या ऐसे भी होंगे जिनको कुछ आइडिया नहीं है लैपटॉप के बारे में, तो आज वाली वीडियो में मैंने एक बजट वाइज लिस्ट बनाई है, ठीक है। कल मैं बैठा हुआ था और मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म बना दिया, ठीक है, उसको जाके तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो। उसमें मैंने हर बजट से लेकर, ठीक है, 20,000 से 30,000 रुपए में हमारे पास कौन से अच्छे लैपटॉप है, 50,000 के अंडर, 70,000 के अंडर, उससे ऊपर वाली रेंज, और उसके अलावा कुछ स्पेशल चीजें अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो तुम्हें काम आएगी। ये चीजें यार 200-300-500 रुपए की है, बट ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ बहुत इजी बना सकती है। तो ये सारी चीजें कॉलेज के लिए जो भी शॉपिंग करने की जरूरत है तुम्हें मेजर टेक वाली साइड में, वो आज वाली वीडियो में देख रहे होंगे। एक चीज और यार, एम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के पैसे कमाने का नहीं है इस वीडियो से, तो इस वीडियो से जो भी अफिलियट अर्निंग हम कर रहे होंगे उसको वी विल यूज इट टू स्पॉन्सर समबडीज एडुकेशन, किसी भी स्टूडेंट की एडुकेशन एग्जाम प्रिपरेशन स्पॉन्सर करने में हम उसे यूज कर रहे होंगे। ये हमने क्लियर कर दिया, जल्दी से चलते हैं यार वीडियो पे। 2-3 चीजें यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे तुम कॉलेज जा रहे हो, किसी को कोडिंग करनी है, किसी को गेमिंग के लिए चाहिए, किसी को वीडियो एडिटिंग वगैरह चाहिए, बट 2-3 चीजें मेजर काम आ रही होती है, वो मैंने लिख दी है। पहली चीज होती है हमारा डिस्प्ले कितना है, साइज कितना है डिस्प्ले की, क्वालिटी कौन सी है। दूसरी चीज प्रोसेसर, इसको प्रायोरिटी दी गई है। हमें लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप चाहिए यार, जो हमारे 3-4 साल कॉलेज के तो प्यार से निकाले, वो वाली चीज देखी गई है। स्टोरेज बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारी फोटोज वीडियोस खींचोगे तो उसको हमने प्रेफरेंस दी है। उसके बाद रैम बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ठीक है, साइड में व्हाट्सएप खुला हुआ है, वहां पे असाइनमेंट छाप रहे हो और भी काम चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए रैम ज्यादा से ज्यादा होनी अच्छी है। उसके अलावा OS के और प्राइस के, और नीचे मैंने लिंक दे दिया, कुछ लिंक्स यार अमेजोन के हैं, कुछ लिंक्स फ्लिपकार्ट के हैं, जहां पर भी बेस्ट प्राइस मिले वहां से यार तुम ले सकते हो। एक चीज और है, प्राइसेस डायनेमिकली अपडेट होते रहते हैं, तो ये आज सुबह के प्राइजेस हैं, ठीक है, जो सुबह मैंने देखे, बट आगे यार मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले यार हम देख रहे होंगे 20,000 से 30,000 की बेसिक रेंज है यार, हमें इससे ज्यादा हम एक लैपटॉप पे अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा Asus VivoBook 15 2020 वाला मॉडल है। इसमें हमें 15.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इंटेल सेलरॉन का प्रोसेसर, स्टोरेज 256 GB, रैम 4 GB देखने को मिल जाती है, और ये लगभग 25,000 की रेंज में आ जाएगा। ये मैंने इसका लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया, वहां से देख सकते हो। इसी तरीके से यार अगर हमें सेलरॉन की जगह इंटेल i3 में जाना है तो वहां जा सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा प्राइस प्रीमियम देना पड़ेगा, 28,000 में इसे हम इसका हमें इंटेल वर्जन भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद यार अगर आ जाता है कि यार अपने को तो थोड़ा एसस वेसस पे विश्वास नहीं, अपने को डेल का लैपटॉप चाहिए, तो मैं कहूंगा ये वाला लैपटॉप बेस्ट है यार, ठीक है। अगर अंडर 30,000 हम देख रहे हैं तो डेल इंस्पिरॉन को हम देख रहे होंगे, डिस्प्ले साइज 15.5 इंच है, प्रोसेसर इंटेल पेंटियम इसमें देखने को मिलता है, इतना ठीक नहीं है बट डेल का नाम है, ठीक है, मम्मी पापा को शांति है उस चीज की। स्टोरेज 256 GB, रैम 4 GB, ग्राफिक्स इंटेल UHD, और प्राइस यार इसका वैसे 40,000 है, बट सेल में ये जब मैंने देखा तो ये 30,000 रुपए में हमें मिल रहा है। इसके अलावा कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह भी तुम अप्लाई कर सकते हो, तो ये काफी बढ़िया डील यार तुम्हारे लिए हो सकती है। 30 से 40K की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और कंटेंट आ रहा होगा। अगर कॉलेज में मूव कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अपने कॉलेज में सीखे हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। और कल मैं एक लाइव सेशन भी लेने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं 1-on-1 तुम्हारे डाउट्स ले रहूंगा काउंसलिंग या कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। 30 से 40 के रेंज में HP की तरफ अगर हमें देखना है कुछ, तो HP का 14 इंच का लैपटॉप मिलता है, i3 11th जनरेशन। अंडर 40,000 में यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, अगर हम i5 की तरफ देखना चाह रहे हैं। 3 प्रोसेसर होते हैं यार, मतलब मेजर i3 i5 i7, हाई एंड में i9 होता है, इसको हम हटा देंगे अभी के लिए। तो लगभग अंडर 40,000 में हमें i3 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, 40,000 से ऊपर जाते हैं तो i5, मतलब ये और बेटर प्रोसेसर हो जाता है, और फिर हम 60,000 की रेंज में जाते हैं तो हमें i7 प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। इस लैपटॉप को भी तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। मैं कहूंगा इन चारों को देखो और अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, यार तुम्हें 15 इंच का लैपटॉप चाहिए या 14 इंच का लैपटॉप चाहिए या पतला लैपटॉप चाहिए, Lenovo IdeaPad Slim 3, तो ये तुम्हारी चॉइस होगी। मैंने हर रेंज में तुम्हें चार पांच लैपटॉप अच्छे अच्छे बता दिए हैं। 40 से 50K की रेंज में चलते हैं, उस पर भी आएंगे, ठीक है, जो मैंने एक्सेसरीज वगैरह की बात करी है। 40 से 50K की रेंज जल्दी से देख लेते हैं। इसके अंदर HP का हमें देखने को मिल जाता है, इसमें Ryzen 5 4th जनरेशन हमें देखने को मिल जाता है, ग्राफिक्स कार्ड भी डेडिकेटेड देखने को मिल रहे हैं, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, 45,000 की रेंज में हमें ये काफी बढ़िया ऑफरिंग मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें i5 में हमें कुछ देखना है तो 512 GB SSD क्या होती है,
एक होती है SSD, एक होती है HDD. HDD होती है जो हम सुनते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क हम सुनते आए हैं, और एक होती है SSD, होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव. SSDs की स्पीड जनरली 10x मान के चल सकते हैं हम यार हमारी HDDs के कंपैरिजन में. तो अगर तुम्हें बहुत फास्ट वीडियो एडिटिंग करनी है तो वहां पर ये चीज काम आती है, ठीक है. तुम्हें कुछ ग्राफिक हैवी काम करना है कहीं ना कहीं, तो वहां पर SSD का काम आ रहा होगा. इसके बाद यार, इसके बाद अगर हम देखते हैं 40 से 50 के की रेंज में, तो मेरे को जो बेस्ट लैपटॉप लगा वो था यार हमारा Redmi Book Pro 15 इंच, ठीक है. ये बेस्ट है यार अंडर 50 के. डिस्प्ले साइज 15.5 इंच का हमें इसमें देखने को मिल जाता है. प्रोसेसर इंटेल i5 का 11th जनरेशन, ठीक है. i3 i5 i7 में भी जनरेशन होती है, हर साल नई जनरेशन आती है, 8th Gen 9th Gen 10th Gen. तो जितना नया है उतना ज्यादा अच्छा है. ये दोनों नंबर जितने बड़े हैं उतना अच्छा है, ये मान लो बेसिक. तो इंटेल i5 11th Gen देखने को मिल जाता है. स्टोरेज 512 GB SSD, मतलब हाई स्पीड स्टोरेज हमें देखने को मिल जाती है. 8 GB की रैम काफी इनफ है यार. 16 GB अगर मिल सके तो काफी बड़े हो जाते हैं, बट 8 GB भी सफिशियंट है कॉलेज वाले बच्चों के लिए. ग्राफिक्स यार इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं. प्राइस इसका लगभग 48,000 के करीब है सेल के अंदर, ठीक है. इसके अलावा कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह लगा के थोड़ा और डाउन जा सकता है. ये जल्दी से यार 50 से 70 के वाली रेंज में बढ़ जाते हैं. इसके बाद यार आई गेस हम एक्सेसरीज और मैकबुक को भी देख रहे होंगे. बेस्ट जो मेरे को लगा लैपटॉप वो था Asus VivoBook K15 OLED. ये 60 के अंडर बेस्ट लैपटॉप हमें देखने को मिल रहा होगा. डिस्प्ले साइज 15.5 इंच का, Ryzen 5 5th जनरेशन. स्टोरेज देखो इसके अंदर हाइब्रिड मॉडल बना रखा है कि 1 TB की हमें हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी और 256 GB की हमें हाई स्पीड स्टोरेज सॉलिड स्टेट ड्राइव भी देखने को मिल जाएगी. 8 GB की रैम है, AMD Radeon ग्राफिक्स, और परफॉर्मेंस काफी अच्छी है. स्क्रीन वगैरह अच्छी है, ठीक है. तो तुम जैसे बाहर ग्राउंड वगैरह में बैठे हो, लैपटॉप हल्का भी होना चाहिए, वो वाला भी एक फैक्टर है. ग्राउंड वगैरह में बैठे हो, धूप है तेज, तो डिस्प्ले यार इसका बढ़िया दिखता रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि दिखना ही बंद हो गया जैसे फोन्स के कुछ कुछ हो जाते हैं. विक्टस बाय HP देख सकते हो अगर 16 इंच वाली रेंज में हमें जाना है. फाइनल ईयर डेल G15 देख सकते हो तुम. इसमें क्या फायदा हो रहा है कि 65,000 का लैपटॉप है, 4 GB GTX 1650 हमें इसमें ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, तो ये अपने आप में काफी बढ़िया चीज है. और हेडफोन्स भी मिल रहे हैं 1500 रुपए के अगर Amazon ऐप से परचेज करते हो तो, अपने आप में ठीक है. हेडफोन लगा के फुल कोडिंग वोडिंग करो, गेमिंग करो, सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास खुल रहे होंगे. एक ये बहुत अच्छी डील आई है यार Asus Tough F15 की. 144Hz का इसका डिस्प्ले पैनल है, ठीक है. तो अगर गेमिंग वाले जो गीक से उन्हें पता होगा, हाई रिफ्रेश रेट का इसका पैनल है. i5 11th Gen 512 GB SSD, 8 GB रैम देखने को मिलती है, 4 GB GTX 3050. बिल्कुल यार अभी ये है 3050 वाले ग्राफिक्स कार्ड आए हैं, ये देखने को हमें मिल जाते हैं विंडोज 10 होम. और 70,000 की रेंज में ये लैपटॉप काफी बढ़िया है. अगर 3K रेजोल्यूशन की हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन चाहिए तो मी नोटबुक अल्ट्रा को भी कंसिडर कर सकते हो. 16 GB की रैम भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है. फाइनली आ जाते हैं मैकबुक्स पे. मैकबुक्स यार मैं कहूंगा कि जो ये M1 वाली चीज आई है, तुमने बहुत सुना होगा मैकबुक आ रही है, M1 वाली आई है. इसने यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ पूरा गेम पलट दिया यार. इतने कम प्राइजेस में, ऑब्वियसली प्राइजेस कम नहीं है, बट पहले जो वैल्यू मिलती थी 1.5-2 लाख रुपए के जो लैपटॉप्स है, वो इस वाली चीज को बीट नहीं कर पा रहे हैं. अब तक ये हालत हो रखी है मार्केट में. तो अगर तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए, अगले 5-6 साल लैपटॉप बदलने की जरूरत ना पड़े, एक बारी पैसे डालने, तो मैं कहूंगा कि हम मैकबुक एयर M1 या प्रो M1 के लिए जा रहे होंगे. मेरी रिकमेंडेशन इसके अंदर मैकबुक एयर M1 की तरफ जा रही होगी. ज्यादा फर्क नहीं है यार, प्राइस में मोटा फर्क है ऑब्वियसली, ठीक है, 30,000 का. तो मैं कहूंगा यहां पर ये 30,000 बचा के हम मैकबुक एयर M1 के लिए जा रहे होंगे. एकदम बेस्ट ऑलराउंड लैपटॉप, 13 इंच का, ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट पतला सा लैपटॉप है. बैग में लेके घूमोगे दिक्कत नहीं होगी, एक बारी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार फटका लग गया है, बट लाइफ मतलब ठीक है, बड़े खुश रहोगे जिंदगी के साथ, कुछ भी दिक्कत नहीं देगा. बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, 14-15 घंटे तक तुम इस पे काम कर सकते हो. बाकी विंडोज के लैपटॉप 5-6 घंटे में तुम्हारे खत्म हो रहे होंगे. तो फैक्टर्स यार चेंज हो जाते हैं जब तुम कॉलेज एज अ कॉलेज स्टूडेंट कुछ लैपटॉप देख रहे हो, तो फैक्टर्स थोड़े थोड़े तुम्हारे चेंज हो रहे होंगे. इसलिए मैकबुक एयर M1 को हम डेफिनेटली कंसिडर कर रहे होंगे. हो सके, ठीक है, तो मेरा भी मन है यार कि मैं ये वाले लैपटॉप पे अपग्रेड कर सकूं. ये आ जाता है मिसलेनियस स्टफ जो मेरे को लगता है कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. बैग है, बैग में हम ज्यादा पैसा तो नहीं डालना चाहते, बट यूटिलिटेरियन कुछ चीज मिल जाए तो कितना बढ़िया नहीं हो जाएगा. तो यार मेरे को ये वाला एक बैग मिला है. इसके अंदर बैग काफी सुंदर है डिजाइन, उसके अलावा इसके अंदर एक USB पोर्ट दे रखा है, ठीक है. चार्जिंग की काफी प्रॉब्लम्स रहती है, तो इस बैग के अंदर तुम अपना पावर बैंक लगा सकते हो और इस USB पोर्ट से कनेक्ट करके तुम अपना फोन चार्ज कर सकते हो. मतलब बैग से ही साइड में से तुम्हें दिख रहा होगा तार सी निकल रही है, वहां से तुम अपना फोन चार्ज कर पा रहे होगे. तो ज्यादा महंगा भी नहीं है और यूटिलिटेरियन भी है, ये वाली चीज मैंने इसलिए डाली है. इसके अलावा पेन टैब्स बहुत लोग पूछते हैं कि iPads वगैरह तो महंगे हैं भैया, अगर हमें डिजाइनिंग का कुछ काम करना है, उसके अलावा हमें
कुछ नोट टेकिंग करनी है लैपटॉप से कनेक्ट करके, तो ये मेरे को सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया वाली पेनटैब देखने को मिली कम से कम प्राइस में। इसको तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो। स्मार्ट बैंड, ठीक है, घड़ी वड़ी भी ऐसे दिखानी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए MI का है यार ये स्मार्ट बैंड। इसमें काफी फिटनेस वगैरह के फीचर्स हैं, कॉलेज में घूमोगे तो पता चल जाएगा कितने स्टेप्स कितना डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट है तो इसको देख सकते हो। वॉच ही मेरे को लड़कों के लिए बहुत सही लगी, ठीक है, ऐसे बिल्कुल चौड़ना है कॉलेज के अंदर तो फास्ट ट्रैक वगैरह की वॉच तुम ले सकते हो, काफी कूल सा यार ऑरेंज से कलर में देखने को मिल जाती है, लोगों को आसपास की तुम्हारे पसंद आने वाली है, इसमें भी तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्ट करना। वॉच हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है, एग्जाम में जाओगे टाइम दिखता रहेगा तो अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, तो इसको भी तुम जरूर देख सकते हो। फाइनली यार हेडफोन्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, तो तुम ये वाले हेडफोन्स भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। मैंने देखा कि आवाज बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त है, ठीक है, मैं दोस्त के घर हूँ वहां पर, उसके पास ही वाले हेडफोन्स है, मैंने खुद सुन के देखा, एक जो क्वालिटी हमें 4-5 हज़ार वाले हेडफोन्स देते हैं ना, वो यार ये हेडफोन्स इतने सस्ते प्राइस में हमें दे रहे हैं, तो इनको भी यार हम डेफिनेटली कंसिडर कर रहे होंगे। ये वाला पूरा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है, सबके लिंक सबकी स्पेसिफिकेशन ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो सारे लैपटॉप्स, अपने पसंद की चीज लेना, ठीक है, चाहे थोड़े से पैसे ज्यादा लग जाए मैं कहूंगा, बट लैपटॉप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 20-30-50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट तुम्हें 5-6 लाख रुपए कमा के दे रही होगी। बस लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल या परसों में मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारे काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स, कंसिडरिंग JEE एडवांस जब ओवर हो चुका है तो थोड़ी सी सबको पिक्चर क्लियर है कि एडवांस कैसा हुआ है, कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब हम बिल्कुल उस स्टेज में आ गए कि हमें कॉलेज डिसाइड करना होगा, तो मैं लाइव सेशन में काफी चीजें डिस्कस करूंगा, 1-on-1 में तुम्हारी प्रॉब्लम्स लेने की कोशिश करूंगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर दबा देना तुम्हारी ग्रोथ के लिए ये वाली चीज, और इससे एक अगर हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पर यार हम अपने 4-5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो हमें प्राइवेट कॉलेज में देते वो कहीं ना कहीं बचा रहे होंगे। लाइफ में यार मचाते रहो, एंड इट्स अ रैप अप, बाय यार।